हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने लास्ट लेक्चर अच्छे से देखा होगा, राइट? आप लोगों को रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन टू डायमेंशन, यानी टेकिंग कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग टू डायमेंशंस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। सो टुडे वी विल टेक सम एग्जाम्पल्स ताकि ये पॉइंट आपको और क्लियर हो जाए, राइट? सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस मोर नाइसली। सो लेट अस टेक अ स्टार्ट विद अ वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमें दो वैक्टर्स दिए गए, एक ए वैक्टर और बी वैक्टर। तो अब जो हम वेक्टर ले रहे हैं वो आई कैप और जे कैप के टर्म्स में ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, आई कैप और जे कैप, राइट? सो आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है? तो अब जो हम वेक्टर्स ले रहे हैं वो आई कैप और जे कैप के टर्म्स में ले रहे हैं, मतलब हर वेक्टर के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एक कॉम्पोनेंट एक्स के अलोंग, एक कॉम्पोनेंट वाई के अलोंग, ऑलराइट? तो दिस इज ए वेक्टर 2i कैप + 3j कैप, दिस इज बी वेक्टर -i कैप + 6j कैप, ऑलराइट? तो अब इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक दो तीन चार, यहाँ से 10 क्वेश्चन दिए, ओके। तो ये हमें डिस्कस करना है, तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले पूछा गया फाइंड मॉड ए, इसका मॉड फाइंड करना है ए का। तो कोई भी वेक्टर है आपके पास जो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, इस तरह से है, तो इसका मॉड क्या होगा? तो फॉर्मूला मैंने आपको याद करने बोला था, राइट? आई होप आपने याद कर लिया होगा, राइट? तो इस तरह का ये फॉर्मूला है, अगर मॉड निकालना आपको तो ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर, दैट्स इट, राइट? तो ये हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था और बोला था आपको कि आप याद कर लीजिए। तो बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि ए एक्स क्या है, ए वाई क्या है, ये है ए एक्स, ये है ए वाई। तो जो पहला पार्ट है यानी मॉड ए, ठीक है, आप चाहे तो आप वीडियो पॉज करके आप ये सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, राइट? 1 to 10 यू कैन ट्राई इट, ओके, एंड आई विल डिस्कस राइट नाउ, ओके। तो अभी जो पहला है 2i कैप + 3j कैप, इसका जो मॉड है, इसका मॉड क्या होगा? अंडर रूट ए एक्स, ए एक्स मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर, ए वाई मतलब 3, 3 का स्क्वायर यानी 4 + 9 = 13, ये आंसर है फर्स्ट पार्ट का, ठीक है, ओके। अब आते हैं सेकेंड पे, सेकेंड पे आपसे पूछा गया है कि ए का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ए कैप फाइंड करना है, ए कैप कैप लग गया तो क्या आता है? यूनिट वेक्टर, राइट? तो आपको यहां पे ए का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर जो होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। क्या होता है? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, राइट? आपको पढ़ाया था सेकंड लेक्चर, बताया था यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर निकालते हैं कैसे? तो कोई भी वेक्टर जो होता है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। तो फिर यहां से यूनिट वेक्टर क्या आएगा? ये आएगा ए, यानी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, राइट? तो अब वेक्टर, तो दिस इज द वेक्टर दैट इज 2i कैप + 3j कैप, ये रहा वेक्टर, एंड डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब 2 बाई रूट 13 i कैप + 3 बाई रूट 13 j कैप, ये हो गया यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या देता है? यूनिट वेक्टर क्या देता है? यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देता है, राइट? किसका देता है? तो यूनिट वेक्टर गिव डायरेक्शन ऑफ इट्स ओरिजिनल वेक्टर, ठीक है, जिसका वो यूनिट वेक्टर है, यानी ये जो वेक्टर है ए, इसका डायरेक्शन ये, दिस इज द डायरेक्शन, राइट? यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन। तो ये हो गया अपना फर्स्ट और सेकंड। तो ऐसे ही आपको थर्ड और फोर्थ करना है, राइट? आप ट्राई करिए, सब लोग यहाँ वीडियो पॉज करिए, जस्ट ट्राई दिस थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। तो थर्ड इज यू नो यू हैव टू फाइंड मॉड बी, बी का, तो लेट्स डू इट। तो बी का मॉड क्या होगा? वो होगा अंडर रूट बी एक्स का होल स्क्वायर, तो बी एक्स इज -1 बिकॉज इट्स -i कैप, राइट? तो बी एक्स इज -1, सो -1 का स्क्वायर, बी वाई इज 6, सो इट इज 6 का स्क्वायर, 36 + 1 = 37, दैट्स ऑल, ठीक है, खत्म हो गया, ये भी खत्म। अब आपको फाइंड करना है बी कैप, तो बी कैप क्या होगा? कोई भी यूनिट वेक्टर क्या होता है बोलिए, क्या होता है? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, मतलब वो होता है अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो ये रहा वेक्टर, यानी -i कैप + 6j कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड यानी √37। तो ये हो जाएगा -1 बाई रूट 37 i कैप + 6 बाई रूट 37 j कैप, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका b कैप, समझ में? ऑलराइट, ठीक है, इट्स क्लियर? तो दिस इज ऑल्सो डन, ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस a + b वेक्टर, ठीक है? सो a + b वेक्टर इज इक्वल टू c, मतलब हमें a + b फाइंड करना है बेसिकली। तो ये हो गया अपना 1, 2, 3, 4, ऑलराइट, लेट अस गेट टू द फिफ्थ पार्ट। आप लोग वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए, ठीक है,
तो फिफ्थ पार्ट क्या है? फिफ्थ पार्ट इज ए प्लस बी, राइट? तो लेट अस ऐड। तो ए क्या है? ए आप देख सकते हैं, इट इज 2i कैप प्लस 3j कैप, और बी क्या है? -i कैप प्लस 6j कैप। तो -i कैप प्लस 6j कैप। अब आपको ध्यान रखना है कि हम आई कैप यानी एक्स कंपोनेंट को सिर्फ एक्स कंपोनेंट के साथ ही ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2i कैप और -i कैप, यानी ये हो जाएगा आई कैप, और जे कंपोनेंट को सिर्फ जे के साथ ऐड कर सकते हैं। तो 3j कैप प्लस 6j कैप कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9j कैप, ठीक है? दैट्स ऑल। तो ये हो गया अपना फिफ्थ पार्ट, राइट? ये भी हो गया। अब बोला गया इसका मॉड निकालो। इसका मॉड निकालो, इसका मतलब आपको सी का मॉड निकालना है, ठीक है? यानी इसका मॉड निकालना। तो सिक्स पार्ट में जो आपको ए प्लस बी का मॉड निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू सी वेक्टर का मॉड, यानी इसका मॉड। तो वो हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि इसका जो एक्स कॉम्पोनेंट है सी एक्स जो है वो 1 है, राइट? जो सी एक्स है वो 1 है, और जो सी वाई है वो 9 है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, सो 81 प्लस 1 82 का अंडर रूट। सो ये पार्ट भी हो गया, सॉल्व, राइट? सिक्स पार्ट्स हो गए। अब हम आते हैं इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? अब ये सब मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये सब सॉल्व हो चुका है। ओके, चलो यहाँ पे हम लोग, तो अब हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इसका। तो वो क्या होगा? फिर से अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड या इट्स मॉड, ठीक है? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉड। तो सी वेक्टर है अपने पास, राइट? वो कितना है? आई कैप प्लस 9j कैप डिवाइडेड बाय इट्स मॉड, यानी √82। तो वो हो जाएगा 1 बाई रूट 82 आई कैप प्लस 9 बाई रूट 82 j कैप। समझ में आपको? तो ये हो गया सी कैप। तो इस तरह से ये वाला पार्ट भी हो गया, समझ में? तो यहाँ तक सब हो चुका है, तो ये हम लोग सब इसको रब कर देते हैं, ठीक है? और फिर सिर्फ ये सी वेक्टर रह देते हैं, क्योंकि ये यहाँ में काम आएगा, बाकी सब हटा देते हैं। ओके, सो लेट अस नाउ सॉल्व दी लास्ट थ्री पार्ट्स, राइट? तो चलो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय ए वेक्टर विद एक्स एक्सिस, ठीक है? ए वेक्टर विद एक्स एक्सिस, तो ए वेक्टर विद एक्स एक्सिस, ठीक है? चलो लेट अस स्टार्ट। तो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ, राइट, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर को ड्रॉ कर लेते हैं। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 2 है, तो 1 और 2। वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 3 है, 1 2 3, ठीक है? तो ये हो गया आपका 2 कॉमा 3, ये हो गया 2 कॉमा 3, 1 कॉमा 2 1 कॉमा 2 सॉरी 1 2 3, ठीक है? तो 2 कॉमा 3, तो जो वेक्टर है वो ये वाला वेक्टर है, दिस इज द वेक्टर। ये ओ है, और ये हम इसको पी कह देते हैं। तो ये ओपी वेक्टर इज ए वेक्टर, राइट? ओपी वेक्टर इज ए वेक्टर। तो हमें एंगल निकालना है, ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है? तो टैन थीटा कितना होगा? टैन थीटा होगा अपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है? तो अपोजिट कितना है? अपोजिट 3 है, एडजेसेंट कितना है? 2 है, तो 3/2। बस थीटा आ गया, कितना आ गया? टैन इनवर्स ऑफ 3/2, टैन इनवर्स ऑफ 1.5, ये आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? सिंपल है, शिफ्ट दबाइए, टैन दबाइए, अंदर 1.5 डालिए, आ जाएगा, ठीक है? तो वी हैव ऑल्सो सीन द 8th पार्ट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द 9th पार्ट, कि बी कितना एंगल बनाएगा। तो बी वेक्टर इज -i कैप प्लस 6j कैप, ठीक है? तो एक्स कोऑर्डिनेट पे कितना है? -1, बना दो -1, ये रहा -1। वाई में कितना है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो ये है, मतलब ये रहा वेक्टर, दिस इज द वेक्टर, समझ में आपको? ठीक है, ये वेक्टर है, और हमें ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला, ये एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है? सवाल ये बोला गया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाइंड करना है हम लोगों को, ठीक है? तो अब क्या करेंगे? तो हमें पता है कि ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल कितना है? ये 180 है। तो हम ये एंगल फाइंड कर लेंगे 5, तो थीटा हो जाएगा 180 -5, दैट्स ऑल, ठीक है? लेट अस स्टार्ट। 5 कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले आप फाइंड कर लो, ये हो जाएगा टेन फाइव। तो टेन फाइव इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो अपोजिट कितना है? अपोजिट ये 6 है, एडजेसेंट ये कितना है? 1। -1 लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ लेंथ डालना है, -1 लिखने की जरूरत नहीं, यू हैव टू ओनली पुट लेंथ। तो ये हो जाएगा अपोजिट, यानी 6 बाई 1 6 हो जाएगा। तो 5 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा
टैन इनवर्स ऑफ 6, ठीक है। तो थीटा निकालना था हमें, थीटा हो जाएगा 180 माइनस टैन इनवर्स ऑफ 6, 180 माइनस टैन इनवर्स ऑफ 6, समझ में आप लोगों, ठीक है, दैट्स इट। तो ये हो गया अपना राइट नाइन्थ पार्ट, ये भी हो गया। अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, ठीक है। तो आई थिंक ये आप लोग खुद कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो स्टिल आई डू इट। ओके देखो, x पे आपको सिर्फ एक चाहिए, वन, y पे नाइन, बिकॉज दिस इज सी एक्स, सी एक्स इज वन एंड सी वाई इज नाइन, ऑल राइट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ओके चेक इट आउट, तो ये हो गया। तो यहां से बस ये रहा आपका वेक्टर, दिस इज द वेक्टर, ऑल राइट। तो ये बस ये एंगल फाइंड करना है, सो दैट्स वेरी सिंपल। सो यू कैन यूज टैन थीटा इज इक्वल टू दिस वाई कॉम्पोनेंट बाई एक्स कॉम्पोनेंट और द अपोजिट बाई एडजेसेंट, सो दैट विल बी 9/1 एंड थीटा विल बी टैन इनवर्स ऑफ 9। ओके दैट्स द आंसर, राइट। सो वी हैव डिस्कस ऑल द पार्ट्स, सो लेट अस टेक मोर एग्जांपल, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड सम इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट यू नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन टू डायमेंशंस, एडिंग देम, फाइंडिंग द मॉड, फाइंडिंग देयर यूनिट वेक्टर्स, ऑलराइट, ड्रॉइंग देम, यू नो फाइंडिंग आउट द एंगल दे आर मेकिंग विद एक्स एक्सिस। सो वी लर्न्ड अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, ऑलराइट। वन मोर एग्जांपल, राइट। सो आपको यहाँ पे आप वीडियो पॉज करिए, एग्जाम्पल ट्राई करिए। आपको क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ये चार वेक्टर आपके सामने, आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और डायरेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। और सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो पहला यहाँ पे दिया है 3i कैप + 4j कैप, ठीक है। सो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो द फर्स्ट वन इज यू नो 3i कैप + 4j कैप, दिस इज द सॉरी दिस इज ए वेक्टर। तो इसका मॉड क्या होगा, इट्स वेरी सिंपल। अब आपको आ गया है 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, 9 + 16 = 25, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो इसको हमें इसका डायरेक्शन फाइंड करना है, लेट्स फाइंड आउट। तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा, लेट अस ड्रॉ इट। तो 3 1 2 3 और ये 4 1 2 3 4, ठीक है। तो ये रहा वेक्टर, दिस इज द वेक्टर एंड दिस इज द एंगल, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल। तो एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ये हो जाएगा 4/3, सो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 4/3। समझ में आया आपको, फर्स्ट पार्ट हो गया डन। सो लेट अस टेक द सेकंड वन, दिस वन। ओके आप ट्राई करते रहिए वीडियो पॉज करके, राइट, ताकि आप सीख जाए। ओके तो लेट अस टेक द सेकंड वन। द सेकंड वन इज -2i कैप + 2√3j कैप, तो इसमें मॉड कितना होगा इसका, ये हो जाएगा अंडर रूट। सो -2 का स्क्वायर + 2√3 का स्क्वायर, दिस इज बी एक्स एंड दिस इज बी वाई, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर इज 4, ये होगा 4 × 3 = 12, तो 12 + 4 = 16 का अंडर रूट 4, ओके ठीक है। इसको प्लॉट करना है, तो लेट अस प्लॉट। तो आप देख सकते हैं कि जो एक्स कॉम्पोनेंट है वो -2 है, तो यहाँ पे आप बना लो 1 2, हो गया -2। वाई कॉम्पोनेंट 2√3 है, तो 1 है 2√3, ठीक है, मान लो कहीं पे है, ठीक है, 2√3, ओके डजेंट मैटर एग्जैक्टली। तो ये हो गया आपका वेक्टर। तो आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है एक्स एक्सिस के साथ, दिस इज द एंगल विच वी हैव टू फाइंड आउट। सो अभी पता है हमको कि ये पूरा एंगल कितना है, 180 है, ठीक है। तो 180 में से अगर हम ये सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको मैं फाइव बोल देता हूँ, इसको थीटा बोल देता हूँ, ठीक है, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था। तो टैन फाइव कितना होगा, तो टैन फाइव हो जाएगा ये वाला लेंथ अपॉन ये वाला लेंथ, ध्यान देना मैं बोल रहा हूँ ये वाला लेंथ अपॉन ये वाला लेंथ, यानी सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। तो ये वाला लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ है 2√3, ठीक है, अपोजिट बाय एडजेसेंट। ये लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है 2, -2 मत लिखना, 2, ठीक है, हो गया, यानी ये √3 आ गया। तो टैन फाइव इज इक्वल टू √3, फाइव इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ √3, टैन इनवर्स ऑफ √3 कितना होता है, टैन फाई √3 का बोला जब फाई 60 डिग्री होता है, टैन इनवर्स ऑफ √3 कितना होगा, 60 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री, ये मिल गया। तो थीटा कितना होगा, थीटा होगा 180 - 60, यानी 120 डिग्री, ओके दैट्स ऑल। ये हो गया बी पार्ट, नाउ लेट अस डू दी यू नो थर्ड पार्ट, दैट इज सी पार्ट। ओके सो सी पार्ट यहाँ पे है -2i कैप - 2j कैप, सो -2i कैप - 2j कैप, तो सी का मॉड कितना होगा, ये होगा अंडर रूट -2 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर, 4 + 4 = 8, 8 का 2√2, ठीक है, खत्म हो गया। ओके नाउ लेट अस ड्रॉ दिस। तो आप देख सकते हैं -2,
वन टू माइनस टू, माइनस टू, वन टू माइनस टू, ठीक है, तो ये हो गया, ओके, तो इस तरह से ये हो गया, दिस इज दिस, ओके। नाउ हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, यहां से यहां तक का पूरा एंगल, ओके। तो अब हमें पता है कि ये वाला एंगल तो 180 है, तो बस उसमें मैं अगर ये फाइंड कर लू, राइट, मतलब ये थीटा, ये है फाई, ओके। तो मुझे थीटा फाइंड करना है, थीटा क्या होगा, थीटा होगा 180 प्लस फाई, ठीक है, ये इतना सा जो एंगल, इसको मैंने फाई बोला है, यहां से यहां तक 180, तो हम मुझे फाइंड करना है थीटा, पूरा ये एंगल, तो थीटा कितना होगा, थीटा होगा 180 यानी 180 प्लस फाइव, ठीक है। अब फाइव कैसे फाइंड करेंगे, दैट्स वेरी सिंपल, टैन फाइव इज इक्वल टू, तो ये अपोजिट बाय ये एडजेसेंट, तो जो अपोजिट है वो टू, एडजेसेंट है वो टू, टू टू वन हो गया, तो यहाँ से फाइव आ गया टैन इनवर्स ऑफ वन। अब टैन इनवर्स ऑफ वन कितना होगा, वो होगा 45 डिग्री, ठीक है, तो बस दैट्स ऑल। तो ये हो गया 180 प्लस 45 डिग्री यानी 225, यानी 225 डिग्री, दैट्स ऑल, इट्स ऑल, ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। तो लेट्स डू दी फोर्थ वन, दैट इज डी वेक्टर, ओके। आप वीडियो पॉज करिए, लिख लीजिए सारी चीजें, राइट, आप खुद से ट्राई करिए, ओके, तो आपको आ जाएगा, ऑलराइट। अब आते हैं डी वेक्टर पे, तो डी वेक्टर कितना दिया गया है, वो दिया है √3i कैप माइनस j कैप, ओके। तो यहाँ पे मॉड ऑफ डी वेक्टर निकालना है, तो वो होगा अंडर रूट इसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, और ये -1 का स्क्वायर, ओके, तो √3 का स्क्वायर 3, -1 का स्क्वायर यानी 1, 3 प्लस 1 4, 4 का अंडर रूट 2, ऑलराइट। लेट्स प्लॉट इट, एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट नेगेटिव है, ठीक है, तो एक्स पॉजिटिव है, मान लो ये कुछ √3 है, समथिंग है √3, और ये है -1, ओके, तो ऐसा कुछ है वेक्टर। तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है इधर से इधर तक का, क्योंकि विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओके। तो अभी आपको पता है कि टोटल एंगल जो है 360 है, तो आप बस ये वाला एंगल जो है इसको फाइव मान लो, तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 360 माइनस फाइव, थीटा कितना आ जाएगा 360 माइनस फाइव। अब टैन फाइव कितना होगा, टैन फाइव हो जाएगा ये अपोजिट बाय ये एडजेसेंट, अपोजिट जो है वो वन है, एडजेसेंट है √3 है, ठीक है, तो 1/√3, तो फाइव आ गया यहाँ से, टैन इनवर्स ऑफ 1/√3, मतलब ये आ चुका है 30 डिग्री, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा, यानी अब हमें ये वाला चाहिए, ये थीटा पूरा यहाँ से आंसर, तो ये पूरा 360 है, 360 में से हमें इतना घटा देना है 30, तो 360 -30, तो आंसर इज 330। तो जो भी हमें एंगल फाइंड करना होता है वो हमें एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फाइंड करना होता है, जिस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, क्योंकि क्लॉक ऐसे घूमता है ना, क्लॉक ऐसे घूमता है, राइट, जो सेकेंड हैंड होते हैं वो ऐसे घूमते हैं, तो ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसके अगेंस्ट ये उल्टा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो जो पॉजिटिव एक्सिस है ये एक्स एक्सिस, इसके साथ हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल्स निकालने होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको हम साइन कन्वेंशन लेके उसको हम लोग पॉजिटिव साइन कन्वेंशन लेते हैं, ठीक है। आप लोग सर क्लॉकवाइज निकालो तो भी चलेगा क्या, चलेगा, आप क्लॉकवाइज निकालो तो भी चलेगा, लेकिन तब उसके लिए साइन कन्वेंशन होगा माइनस, ठीक है, उसके लिए माइनस यूज करेंगे, जैसे इसके लिए आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है सिर्फ -30 भी, -30 मतलब, माइनस मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री, दैट्स ऑल, वो भी सही है, दैट्स ऑल्सो ओके, ठीक है। +330 मतलब, प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 330 डिग्री, दोनों सही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको सवाल समझ में आएगा, राइट, और आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो, एंगल्स फाइंड कर सकते हो, उसका डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो, इस तरह से आपने बहुत कुछ सीख लिया। अब हम लोग लेते हैं इसमें अगला एग्जाम्पल, ठीक है, आप ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे दिया है फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉक्स, तो ये बॉक्स है इधर, ठीक है, ये रहा, तो फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉक्स एज शोन इन फिगर, व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट्स एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द फोर्स, what are the horizontal component and vertical components of the force, so let us start। तो यहां पे ये दिया है 15 न्यूटन, ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो जो फोर्स है, राइट, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको इस तरह से ये फोर्स है 15 न्यूटन का, ये एंगल दिया गया है कितना है, ये 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको ये कॉम्पोनेंट फाइंड करना है, यानी ये वाला पार्ट, ठीक है, तो आप इसको कह दो कि ये F है,
तो आपको इसका ये एफ एक्स फाइंड करना है, यानी एक्स कॉम्पोनेंट, और इसका ये एफ वाई फाइंड करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एफ एक्स कैसे निकालोगे आप, तो आप यूज कर लोगे एफ एक्स के लिए कॉस 60, ठीक है। तो आप लिखोगे कॉस 60 इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो वो हो जाएगा एफ एक्स बाय एफ। एफ एक्स बाई एफ कितना है, 15 न्यूटन, और कॉस 60 कितना होता है, हाफ होता है, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा 15/2, यानी 7.5 न्यूटन, ठीक है, समझ में आपको, दैट्स ऑल, यानी मिल गया आपको हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट इज 7.5 न्यूटन, दैट्स इट। अब निकालना हम लोग एफ वाई, तो एफ वाई के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, साइन 60, ठीक है। तो साइन 60 क्या होगा, साइन 60 हो जाएगा अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है, या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा एफ वाई बाय एफ। तो एफ वाई हमें फाइंड करना है, एफ कितना है 15, साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, ठीक है। तो यहां से आपको एफ वाई मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा एफ वाई, वो मिल जाएगा 15√3/2, ठीक है, मिल गया 15√3/2, कैलकुलेट कर सकते हैं हम, दैट्स ऑल, हो गया सॉल्व। यानी ये जो फोर्स है इसको हमने दो कॉम्पोनेंट में बांट दिया, यानी इस फोर्स को अब हम लिख सकते हैं, राइट, आपको यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। तो इस फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज यू नो द सम ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट्स, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। तो एफ एक्स आई कैप इज 7.5 न्यूटन, सो 7.5 आई कैप, वाई आई कैप, आई कैप क्यों, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, उसका डायरेक्शन, यानी ये एफ एक्स है, दिस इज एफ एक्स, उसका डायरेक्शन है, इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप क्या यूज करोगे, तो आप यूज करोगे आई कैप एज यूनिट वेक्टर। तो 7.5 आई कैप प्लस ये हो जाएगा 15/2√3 जे कैप, समझ में आपको, तो दिस इज द फोर्स वेक्टर, राइट, समझ में आ रहा है, दैट्स ऑल सिंपल। सो इस फोर्स को ये हमें एफ दिया था और हमें थीटा दिया था, राइट, द एंगल जो वो बना रहा था एक्स एक्सिस के साथ, उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया आई कैप और जे कैप के टर्म्स में, ठीक है, आप उसको वापस देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस टेक मोर एग्जांपल, समझ में आया, राइट, इजी है, राइट, सो लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स, देन विल बी मोर क्लियर, ओके स्टूडेंट, लेट अस टेक दिस एज द लास्ट एग्जांपल फॉर टुडे, ठीक है। सो एग्जांपल इज गिवन, क्वेश्चन इज गिवन हियर, अ पर्सन इन अ व्हील चेयर, तो यहाँ पे एक आदमी बैठा है व्हील चेयर पे, ऑलराइट, इज मूविंग अप अ रैंप एट कॉन्स्टेंट स्पीड, तो इस तरह से इस रैंप पे ये कॉन्स्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, ठीक है, देयर टोटल वेट इज 900, तो इसका जो टोटल वेट है, राइट, वेट, तो आपको पता है कि जो कोई भी चीज होती है तो उसका जो वेट होता है, इट एक्ट इन द डाउनवर्ड डिरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट, वेट का मतलब क्या है, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, तो वेट इज अ फोर्स, वेट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, वेट क्या है, वेट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एवरी ऑब्जेक्ट, अर्थ जो ऑब्जेक्ट्स पे जो फोर्स लगाता है उसी को वेट बोलते हैं, यानी जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको वेट बोलते हैं, जो वेट है वो हमेशा ऐसे नीचे एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पर जो वेट है यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट का, तो जो वेट है वो कितना है 900 न्यूटन, एक फोर्स है, ठीक है, इट्स अ फोर्स एक्टिंग लाइक दिस, ठीक है, ऑलराइट, समझ में आ रहा है आप लोगों को, इस तरह से, तो मैं इसको यहां बना देता हूं यहां पे कि इस तरह से नीचे, ठीक है, वेट इज 900 न्यूटन। अब हमें इसके कंपोनेंट लेने हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर ये 37 डिग्री है, ठीक है, हमें क्या करना है, कैलकुलेट द कंपोनेंट्स ऑफ इट्स वेट पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द रैंप, पैरेलल मतलब ये हो गया पैरेलल, राइट, और ये हो गया परपेंडिकुलर, तो पैरेलल टू द रैंप एंड परपेंडिकुलर टू द रैंप, अब ये 37 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये होगा 53 डिग्री, राइट, और ये कितना होगा, ये होगा 37 डिग्री, क्योंकि ये टोटल 90 डिग्री है, ये जो टोटल है ये कितना है 90 डिग्री, इट्स परपेंडिकुलर, राइट, तो इसको हटा देते हैं, ओके, तो दिस इज 900, ओके, दिस इज 37, राइट, समझ में आया कैसे, एंगल समझ में आपको, तो आपको ये वाला कंपोनेंट फाइंड करना है इसका और ये वाला कंपोनेंट फाइंड करना है, ओके, सो अगर ये W है तो ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा यहाँ पे इसका डब्ल्यू वाई कॉम्पोनेंट, ठीक है, और ये हो जाएगा डब्ल्यू एक्स कॉम्पोनेंट, ओके, लेट अस स्टार्ट।
तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहां से साइन 37, ये 37 है तो साइन 37 लेंगे तो ये वाला आ जाएगा, यानी डब्ल्यू एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। साइन 37 इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये बन गया हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये वाला तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू एक्स, ये वाला, ये डब्ल्यू एक्स है, दिस इज डब्ल्यू एक्स, तो ये भी डब्ल्यू एक्स है, ऑलराइट, सो दिस इज ऑल्सो डब्ल्यू एक्स, ये हो जाएगा डब्ल्यू एक्स और ये है डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, तो कुल मिला के हो जाएगा साइन 37 इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स बाय डब्ल्यू। अब डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू इज 900 न्यूटन, और साइन 37 जो, इसको याद कर लीजिए आप, साइन 37 होता है 3/5। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, उससे 0.6 आ जाएगा, तो यहां से डब्ल्यू एक्स मिल जाएगा आपको 3/5 इंटू 900, तो 18/5 से होता है तो 180, 180, 18/3 से 54, सो 540 न्यूटन। तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है, ये 540 न्यूटन निकल कर आ गया, 540 न्यूटन, यानी डब्ल्यू एक्स, यानी जो पैरेलल कंपोनेंट है वो आया 540 न्यूटन। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द परपेंडिकुलर वन, दैट इज डब्ल्यू वाई। तो डब्ल्यू वाई फाइंड करना है तो यू कैन यूज कॉस 37। ठीक है, सो यू कैन राइट डाउन हियर कॉस 37, तो कॉस 37 क्या हो जाएगा, कॉस 37 हो जाएगा राइट, ये वाला, यानी एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट इज डब्ल्यू वाई एंड हाइपोटेनस इज डब्ल्यू, तो डब्ल्यू वाई बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना है 900, यहां से ये डब्ल्यू वाई कितना हो गया, ये हो गया 900 कॉस 37, तो दिस इज 900 कॉस 37 इज 4/5, सो 5 इंटू 180, 18 फोर 72, तो 720 न्यूटन। ऑलराइट, समझ में, दैट्स ऑल, ये सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए, बिकॉज ये जो आदमी, इसका वेट राइट, वेट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो मैंने उसको यहां दिखा दिया, जस्ट थोड़ा स्पेस कम है यहाँ, वहां दिखा दिया, और वो जो वेट है, यानी ये जो वेट है, इसके मुझे दो कॉम्पोनेंट चाहिए थे, कॉम्पोनेंट कैसे चाहिए थे, एक कॉम्पोनेंट चाहिए था मुझे रैम्प के पैरेलल, और एक कॉम्पोनेंट चाहिए था मुझे रैम्प के परपेंडिकुलर, तो मैंने बोला ठीक है भाई, तो इधर एक कॉम्पोनेंट, इधर एक कॉम्पोनेंट, इसको नाम दिया डब्ल्यू एक्स, इसको नाम दिया डब्ल्यू वाई। अब ये एंगल 37 है, तो ये एंगल 53 है, क्योंकि ये एंगल 90 है राइट, तो आपको समझ में आ रहा है, और ये 53 है, ये 37, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है। अब ये 37 है तो ये यहाँ पे एक ट्राइंगल तैयार हो चुका है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, इट्स राइट एंगल ट्राइंगल, तो मुझे ये पता है ये इसका हाइपोटेनस बनने वाला है राइट, ये जो है ये हाइपोटेनस है, तो ये मुझे पता है 900 है, और ये एंगल मुझे पता है, तो फिर मैं डब्ल्यू वाई और डब्ल्यू एक्स फाइंड आउट कर सकता हूँ राइट, ये वाला और ये वाला डब्ल्यू एक्स, आई कैन जस्ट यूज दिस राइट। साइन 37 क्या होगा, अपोजिट बाय हाइपोटेनस यानी डब्ल्यू एक्स बाय 900, और कॉस 37 क्या होगा, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस यानी डब्ल्यू वाई बाई डब्ल्यू। ठीक है, ओके, और इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि थीटा के सामने वाला हमेशा साइन कॉम्पोनेंट आएगा, और थीटा के पास वाला हमेशा कॉस कॉम्पोनेंट आएगा, जैसे थीटा के सामने वाला, तो ये आएगा हमेशा डब्ल्यू साइन थीटा। ठीक है, ये इसको जस्ट मैं बता देता हूँ ताकि अगली बार आप इसको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है, इसको पॉज करिए, लिख लीजिए, मैं आपको एक शॉर्टकट बस बता देता हूँ जिसको आप ध्यान रख सकते हैं राइट, जो आपको न्यूटन लॉज में काम आएगा। तो जो थीटा के सामने वाला है, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला कॉम्पोनेंट यानी डब्ल्यू एक्स, वो होगा साइन कॉम्पोनेंट डब्ल्यू साइन थीटा। अब देखो आ गया आंसर 900 इंटू साइन 37 बस इंटू 3/5, तो हो गया 540। ओके, और थीटा के जो पास वाला है, पास वाला कॉम्पोनेंट थीटा के, वो होता है कॉस कॉम्पोनेंट W cos theta, यानी 900 cos 37 is 4/5, ये हो गया 720 न्यूटन। दैट्स ऑल, खत्म। इस तरह आप याद कर सकते हैं, नहीं याद आया तो sin theta cos theta यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, theta is a somewhere म्हणजे cos component। ठीक है, theta is a somewhere आपल्याला घ्यायचं आहे cos component, तर theta is a somewhere cos component घ्यावंच लागतं, तर W sin theta कोणाचा component, तर W याचा component, W आहे मेन वेक्टर, त्याचा component घ्यायचंय, तर डब्ल्यू चं साइन कॉम्पोनेंट, डब्ल्यू साइन थीटा इज वाय डब्ल्यू एक्स, आणि थीटाचं जवळ म्हणजे आपल्याला घ्यायचंय कॉस कॉम्पोनेंट, पण कोणाचं कॉम्पोनेंट,
डब्ल्यू सा कॉम्पोनेंट है इसे, तो डब्ल्यू कॉस थीटा, दैट्स ऑल। और कंफ्यूज है तो जैसे मैंने बताया आपको वैसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप दिस लेक्चर हियर, इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स एंड वी विल डिस्कस हाउ टू रिजॉल्व अ वेक्टर इन यू नो इन थ्री कॉम्पोनेंट्स अलॉन्ग थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दैट इज इन अ स्पेस, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ऑलराइट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइए, राइट, आपके कमेंट शेयर करिए, ओके, ऑलराइट, थैंक।